Assalamualaikum, मैं जबीन, वेलकम टू एक रेसिपी। आज हम पूरी होल चिकन बेक करने जा रहे हैं और वो भी स्लो कुक। तो चले बनाते हैं होल चिकन स्लो कुक स्टाइल। तो जनाब, अपनी हमारी होल चिकन यहाँ पे मौजूद है और ये 3 pound चिकन है और इसको मैंने अच्छे से अंदर बाहर हर तरह से वॉश किया है पानी से और फिर उसके बाद इसको पैड ड्राई किया है बहुत अच्छी तरीके से ताकि किसी किस्म का कोई लिक्विड बाकी ना रहे, पानी बाकी ना रहे। ठीक है, तो ये अच्छे से हो गया। तो अब हम अपनी चिकन को सॉल्ट एंड पेपर के साथ सीजन करेंगे और आपने मेक श्योर करना है कि आपका एक हाथ चिकन को टच ना करे, सिर्फ एक हाथ से आपने चिकन को टच करना है, दूसरे हाथ से हमने अपने इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है लाइक दिस, कि हम यहाँ पे सॉल्ट डाल रहे हैं इस वक्त। जेनरसली हमें सॉल्ट डालना है हर तरफ एंड इनसाइड टू। When you are handling the chicken, please be careful. Don't contaminate other things. Yeah, just make sure that you are not using the same hand for other thing to hold. Here we go. My chicken season ho gayi hai. Aur ab jo hai inside to sahi. हमारी चिकन अच्छे से सीजन हो चुकी है और मेरा अवन 350 डिग्रीज पे हीट अप हो रहा है। अब हम इस चिकन के अंदर इसकी कैविटी में, यहाँ पे मेरे पास 1/4 cup बटर है और इसका आधा जो है वो मैं इस कैविटी के अंदर डालूंगी और इसके अलावा कुछ होल क्लोव्स हैं मेरे पास गार्लिक के, ये भी मैं इसी कैविटी के अंदर डाल रही हूँ और यहाँ पे इसके अलावा 1/2 lemon भी डाल रही हूँ। ये हो गया हमारी कैविटी इनसाइड रेडी। अब जो रेस्ट ऑफ द बटर बच गया है, आधा बटर जो हमने बचा लिया हमारे 1/4 cup में से, ये मैं इसके ऊपर डेवलप कर दूंगी। बटर मेरा कोल्ड ही है, बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं है लेकिन स्टिल ये रूम टेम्परेचर पे भी नहीं है। हमारी चिकन डेकोरेट हो गई है बटर से और हमने पूरा रेस्ट ऑफ द बटर यूज़ कर लिया है। इसी चिकन की डिश में जिसमें हमने चिकन को बेक करना है, मैं थोड़े से ये रेड पोटैटो हैं जिनके मैंने इतने थिक स्लाइस काटे हुए हैं और ये भी मैं हर तरफ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी पूरे पैन में। पोटैटो ने सारा जूस चिकन का अब्सॉर्ब कर लेना है और इससे ज़्यादा मज़ेदार पोटैटो और कोई भी नहीं होता है और इसके अलावा ये एज अ साइड डिश भी हमारे काम आएगा। नाउ वी कैन सीजन द पोटैटो लिटिल बिट और हमारी विंग्स जो हैं वो बर्न ना हो जाएं, हम इसको ऐसे करके पीछे टक कर देते हैं। चिकन को हम ब्रेस्ट साइड अप करके ही बेक करेंगे और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर का इसको भी स्प्रिंकल किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा कर रही हूँ। तो अब हमारी चिकन जाने के लिए तैयार है अवन में और हम इसको 350 डिग्रीज पर 1 to 1.25 hours तक बेक करेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि इज इट रेडी और नॉट। तो चलें चिकन को लेके चलते हैं अवन की तरफ। 1 hour and 20 minutes से बेक हो रही है और अब जो है एक काम मुझे दरमियान में ये करना है कि ये जो लिक्विड है, फैट कह लें लिक्विड कह लें जो भी है, इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ड्रिजल करेंगे जो इसको एक खूबसूरत कलर भी देगा और टेस्ट भी। अगर आपके पास ये बेस्टिंग ट्यूब नहीं है तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं इसको, ये कोई बिग डील नहीं है, ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्रश को वो करके सोक करके इसमें। तो जस्ट थोड़ा सा और कलर आ जाए हमारी चिकन के ऊपर और उस वक्त तक जब तक हमारी चिकन जो है वो थर्मामीटर में 180 डिग्री शो करे इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द चिकन, तो हमारी चिकन रेडी है। और इसके अलावा एक और तरीका है इसको चेक करने का, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखें, अब हमारी चिकन को ऑलमोस्ट 1 hour and 50 minutes हो गए हैं और ये रेडी है
बिल्कुल, इसका एक तो तरीका है थर्मामीटर से चेक करने का, और दूसरा ये कि जब आप इसके यहाँ जॉइंट पे फोर्क पोक करें तो जो लिक्विड निकले वो बिल्कुल क्लियर हो। तो हमारी चिकन रेडी है, कोई किसी किस्म का ब्लड नहीं आ रहा उसमें जो हमने पोक किया, तो हमारी चिकन इसका मतलब है डन है। चूल्हे को बंद करते हैं और अपनी चिकन को 15 मिनट्स के लिए फॉइल पेपर से टेंट बना के उसको कवर करके थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे। अब हम अपनी चिकन को ऐसे फॉइल का टेंट बना के थोड़ी देर के लिए 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देते हैं, और फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको ये कितनी जूसी और कितने मजे की चिकन बनी है। ये देखिए जरा, अब हमारी बर्ड रेडी है, रेडी टू ईट है। बहुत ही खूबसूरत शक्ल है इसकी, जो ग्लिसनिंग चाहिए हमें ऑफ कोर्स, और साथ में उसके जो पोटैटो हमने बेक किए हैं एब्सोल्युटली डिलीशियस हैं। और मैंने एक और तरीके से भी चिकन बेक करी थी जो कि मैंने थैंक्सगिविंग मील में डाली है, आप उसको भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा, वो भी बहुत अच्छा तरीका, बहुत मज़ेदार, उससे भी चिकन बनती है। तो साथ में पोटैटोज हों, थोड़े से ग्रीन बीन्स हों जो कि गार्लिक ग्रीन बीन्स हैं, और हमारा कॉर्न ब्रेड, तो ये परफेक्ट मील है। तो चलें अब काट के दिखाते हैं। देखें ये जो है हमारी जो ब्रेस्ट है वो पार्ट होता है थोड़ा सा ड्राई वाला, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ से कट करके दिखा रही हूँ। क्या ये देखें कि किस कदर जूसी है, यू कैन सी द जूसेस कमिंग आउट, राइट। तो ये मेरी चिकन 3 pound थी और इसको 1 hour and 50 minutes लगे हैं 350 डिग्रीज पर। आपके अवन पे भी डिपेंड करता है और आपकी चिकन कितनी बड़ी है उस पर भी डिपेंड करता है, और दूसरे ये कि आप किस बर्तन में बेक कर रहे हैं। मेरा बर्तन भी थोड़ा बड़ा था, इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। अगर थोड़ा छोटा बर्तन हो तो हीट करीब करीब होती है उसके, तो जल्दी कुक हो जाता है। तो ये सब बातें दिमाग में रखिएगा अपने, और फिर उसके बाद लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही फ्लेवरफुल चिकन है, बहुत ज़्यादा मसालों के साथ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। तो अब जो है वो टेस्ट करके भी बता देते हैं आपको, क्योंकि I just cannot wait. Bismillahirrahmanirrahim. Absolutely delicious. Very moist. बिल्कुल भी chewy नहीं है कि चबाए चले जा रहे हैं, क्योंकि dry अगर हो जाती है तो बहुत chewy हो जाती है। बहुत ही मज़े का है और chicken flavor है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा chicken flavor है, इसलिए कि मसाले इतने नहीं है, सिर्फ नमक, काली मिर्च, अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर है। तो उसके अलावा ये पोटैटोज तो उफ, डाई फॉर, इतने मज़े के होते हैं। तो जनाब आप भी इसे बनाएं और मज़े उठाएं और मज़े कराएं लोगों के भी, अपने ख़ानदान वालों के और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के। डेफिनेटली जाते जाते लाइक दबाना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, और अगर आज पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को डिंग करना मत भूलिएगा। हाँ जनाब, उससे आपको सारी इंफॉर्मेशन, मेरी हर वीडियो जो अपलोड होगी न्यू, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। याद रखिए, आपके खाने में मजा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। वैसी और बहुत सारी दिलचस्प और मजेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। Allah Hafiz!